Hello everyone, welcome back to my channel in Be Glamorous with Neelima Sharma. Hope you all are doing good. So friends, आज का ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो है और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक बेबी कन्वर्टेबल कार सीट की और इसे मैंने फर्स्ट प्राइस से परचेस किया है और आज आपके संग मैं इसे अनबॉक्सिंग करूंगी और इसकी डिटेल शेयर करूंगी, प्राइस शेयर करूंगी. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग. सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. सो फ्रेंड, जिस कार सीट की मैं बात कर रही हूँ वो है ब्रांड R4 रैबिट जैक एंड जी ग्रैंड कन्वर्टेबल बेबी कार सीट और ये है ब्रांड R4 रैबिट के तरफ से. ये बहुत ही जाना माना ब्रांड है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड है. वो 4 कलर में अवेलेबल है. जो मैंने कलर मंगाया है वो है ब्लैक एंड ग्रे और ये और बाकी 3 कलर्स में अवेलेबल है. दूसरा है ग्रे कलर एंड जो तीसरा है वो है रेड एंड ब्लैक कलर और जो 4th नंबर पे है वो है ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक कलर. सो मैंने ब्लैक एंड ग्रे कलर मुझे पसंद आया इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर दिया था. सो इसका जो MRP है वो है 6,795 रुपीज और जब मैंने इसे परचेस किया था ये डिस्काउंट में था और मुझे टोटल कॉस्ट जो इसकी पड़ी थी वो है 4,814 रुपीज. सो ये काफी ज्यादा डिस्काउंट में मुझे मिल गया. जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फर्स्ट प्राइस पे ऑलवेज ऑफर्स चलते रहते हैं. सो मैंने जब इसे ऑर्डर दिया था उस टाइम भी ऑफर चल रहे थे. सो मुझे बहुत ही अच्छी डील मिल गई. सो इस बेबी कन्वर्टेबल कार सीट के मैं फीचर्स के बारे में आपको डिटेल में बता देती हूँ. इसकी की फीचर्स है सेफ्टी फर्स्ट. आप इसमें अपने बेबी को इस सीट को कार में लगा के आप कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे इजिली निकल सकते हैं टेंशन फ्री. सो जो सेकंड नंबर जो फीचर्स है उसके इंफिनिट कार सीट ग्रुप जीरो. ग्रुप जीरो में 0 ईयर्स से 2 ईयर्स के बेबी को इंक्लूड किया गया है और जो वेट कैरी करेगा वो है 10 kg का वेट बेबी का कैरी कर सकता है. एंड जो थर्ड नंबर फीचर्स है वो है बेबी कार सीट ग्रुप वन. ग्रुप वन में जो बेबी का वेट इंक्लूड किया गया है वो है 2 ईयर्स से 5 ईयर्स के बेबी का और इसमें जो वेट कैरी करेगा वो है 10 to 18 kg का वेट कैरी कर सकता है. और जो फोर्थ नंबर फीचर्स है वो है बेबी कार सीट ग्रुप टू. इसमें आप 4 ईयर्स से 7 ईयर्स के बेबी को कैरी कर सकते हैं और जो वेट कैरी करना है वो है 18 to 25 kg. एंड जो 5 नंबर फीचर्स है वो है साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन. एंड जो 6 नंबर फीचर्स है वो है 3 पोजिशन रिक्लेम. एंड जो 7 नंबर फीचर्स है वो है 5 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस. एंड जो सबसे लास्ट और 8 नंबर फीचर्स है इसके वो है लग्जरियर डिजाइन एंड वॉशेबल कार सीट कुशन. सो बेबी कंफर्टेबल कार सीट की जो सीट है वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही लग्जरियस है और वॉशेबल है. इसे वॉश करना बहुत ही इजी है. इसमें 3 पोजीशन आपको मिल जाते हैं और इस कार सीट की जो नेट वेट है वो है 4.4 kg और जो ग्रॉस वेट है वो है 6.74 kg. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्राइस से जो मैंने बेबी कन्वर्टेबल कार सीट मंगाया है उसका पैकेजिंग बॉक्स बहुत ही यूज है और बहुत ही हेवी है. सो चलिए उसका क्लोज लुक देख लेते हैं और मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ आपके संग. सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला कि ये बॉक्स बहुत ही यूज है. सो आप देख सकते हैं कितना यूज बॉक्स है और इसी बॉक्स के अंदर है बेबी का कन्वर्टेबल कार सीट. सो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं जल्दी से. बहुत ही हेवी है, मैं पूरी तरीके से थक गई, मेरे पसीने छू रहे हैं इसे निकालने. ये बहुत ही अच्छे से बबल रैप होके आया है. आप देख सकते हैं पूरे 3 लेयर हैं बबल रैप के. इतने सारे बबल रैप, इसको भी मैं साइड रखती हूँ. और फाइनली ये वो बॉक्स है. तो पैकेजिंग इनकी बहुत ही अच्छी है, आपका कभी भी प्रोडक्ट डैमेज होने का चांसेस नहीं रहेगा जिस तरह से ये लोग पैकिंग करते हैं. ये कार सीट है और ये भी बबल रैप में है.
मेरे बेबी का कार सीट, कन्वर्टेबल कार सीट, और ये सीरियसली बहुत ही ऑसम है दिखने में और बहुत ही कंफर्टेबल है, ऐसे लग तो रहा है, बहुत ही स्पॉन्जी है, बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है। और ये उसके संग कुछ मैनुअल्स दिए हुए हैं, इनको मैं रिमूव कर देती हूँ मैनुअल को। सो, यहाँ पे मैनुअल दिए हुए हैं, ये मैनुअल है कैसे फिट करना है आपको कार सीट पर। एंड फ्रेंड्स, इस कार सीट को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं जैसे ये अभी है, ऐसे जैसे दिख रहा है। एंड यहाँ पे नीचे साइड में एक यहाँ पे लीवर दिया है जिसे हम अपवर्ड पुश करेंगे, देन अपवर्ड पुश करने से ये थोड़ा सा लीन हो जाएगा। सो, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक नीचे में जो होल है यहाँ पर एक रेड कलर का इतना बड़ा सा एक लीवर दिया हुआ है, जस्ट उसे आपको अपवर्ड पुश करना है, ऐसे पुश करके आपको ऐसे ऐसे उसको पुश करके सामने की तरफ उसको थोड़ा सा धक्का देना है तो वो ऐसे लीन डाउन हो जाएगा। ये ग्रुप जीरो के बेबी के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो बेबी इस पे आराम से उसको आप सुला सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल है, आपका न्यू बॉर्न बेबी भी इस पे अच्छे से सो सकता है, उसे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी। एंड फ्रेंड्स, ये जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में लाने के लिए सेम उस लीवर को पुल करना है और इसको बैक साइड में पुश करना है, एंड ये हो गया अगेन जैसे पहले था। सो, बहुत ही सिंपल है, जस्ट लीवर को अपवर्ड पुश करके इसको सामने की तरफ थोड़ा धक्का देना है तो ये ऐसे हो गया, एंड अगेन लीवर को थोड़ा सा पुल करके बैक साइड में इसको धक्का देना है। सो फ्रेंड्स, ये सीट बेल्ट है, आप यहाँ पर बेबी को बैठा सकते हैं यहाँ पर, और सीट बेल्ट को ओपन करने के लिए जस्ट इसको थोड़ा हटाएंगे और जो ये रेड बटन दिया है इसको बैक साइड में पुश करेंगे और ये ओपन हो गया, और ये ओपन हो गया। ओपन करने के बाद यहाँ पर बेबी को हम लोग बैठा सकते हैं, और इसको लॉक करने के लिए ये दो हुक है, इसको लॉक करने के लिए इन हुक को इस हुक के ऊपर इसको अटैच करना है। ये अटैच करने से आप देख रहे हैं स्क्वायर बन गया है, स्क्वायर बॉक्स जैसा बन गया है। अगेन आप देख लीजिए, इस हुक को इस हुक के ऊपर इस हुक को ऐसे रखना है, रखने से और ये एक देखिए इस शेप में यहाँ पे डिजाइन जैसा बन गया है। सो, इसको ऐसे रख दिए, रख के यहाँ पे पकड़ना है, पकड़ के इसके अंदर इसको पुश करना है सिंपली। आप देखिए इसको, ये हो गया लॉक। सो फ्रेंड्स, इस बेल्ट को एडजस्ट करने के लिए, इसे लूज और टाइट करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिए हुए हैं इस लेयर के नीचे, यहाँ पर प्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप प्रेस करेंगे और इसको यूं पुल करेंगे। सो, ये पुल करने से ही आप देख सकते हैं ये कितना लूज हो गया, ये बेल्ट कितनी लूज हो गई, और यहाँ आप अपनी बेबी को बैठा सकते हैं। एंड इसको फिर बैठाने के बाद बेबी को इसको टाइट करने के लिए नॉर्मली आप वहां पे अगेन उसको प्रेस करें और बेल्ट को टान दे, ऐसे इस तरह से खींच दे तो ये एडजस्ट हो गया। अगेन मैं आपको दिखा दू, ये हुआ लूज एंड ये हो गई टाइट। आपने इसका ओवरऑल लुक देख लिया है और सीरियसली ये बहुत ही क्लासी दिख रहा है, ये कलर मैंने इसीलिए मंगाया था बिकॉज ये कलर बहुत ही क्लासी दिख रहा था, और ये प्रोडक्ट मेड इन चाइना है, आर4 रैबिट जो प्रोडक्ट है वो चाइना प्रोडक्ट है, और ये टच करके मैं बता सकती हूँ कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बेबी के लिए बहुत ही आरामदायक होगा और बहुत ही कुजी है, बहुत ही सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट दिए हुए हैं। सो, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इसे आपकी बेबी के लिए जरूर सजेस्ट करूंगी।
एंड फ्रेंड, अगर आपको ये कार सीट परचेस करनी है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लिंक के थ्रू आप इस कार सीट को परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सारे फीचर्स आपको डिटेल में बताए हैं और आपने देख लिया कि ये बेबी कार सीट कैसा दिखता है, कितना अच्छा गुड लुकिंग है। मुझे बहुत ही पसंद आया। सो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसको यूज करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।